6.3 ओम का नियम, ओम्स लॉ। सन 1827 में भौतिक वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने किसी विद्युत परिपथ में विभवांतर, विद्युत प्रतिरोध और प्रवाहित विद्युत धारा के बीच में संबंध स्थापित किया था। इस संबंध को समझने के लिए हम नीचे दिया क्रियाकलाप करेंगे। क्रियाकलाप 2। चित्र में दिखाए अनुसार एक परिपथ तैयार कीजिए। इस परिपथ के लिए एक 0.5 मीटर का नाइक्रोम का तार XY, एक अमीटर, एक वोल्टमीटर, चार विद्युत सेल जिनका विभव 1.5 वोल्ट हो की आवश्यकता है। सबसे पहले परिपथ में हम केवल एक सेल का उपयोग करेंगे। परिपथ में XY से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के पाठ्यांक I के लिए अमीटर और तार के सिरों के बीच विभवांतर V के पाठ्यांक के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग करेंगे। बच्चों, आपको इस टेबल पे कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। आप देख सकते हैं बच्चों, आपके सामने एक मुड़ी हुई तार है। ये मुड़ी हुई तार नाइक्रोम मिश्र धातु की बनी हुई है और इस प्रयोग में हमारे लिए ये प्रतिरोध का कार्य करने वाली है। आप देख रहे हैं बच्चों, इस टेबल पर एक अमीटर भी रखा हुआ है। इस अमीटर को मैंने इस परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा है। जानते हो क्यों? क्योंकि अमीटर परिपथ में बहने वाली धारा को नापता है, इसलिए सदैव परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। हम देख सकते हैं बच्चों, हमारे पास एक वोल्टमीटर भी है, इसको भी मैंने परिपथ में जोड़ा है। अब देख सकते हैं, इसके दोनों सिरों को मैंने इस तार के दोनों सिरों से जोड़ दिया है। कौन से क्रम में जोड़ा है? समांतर क्रम में। क्यों? क्योंकि ये वोल्टमीटर इस तार के सिरों के बीच विभव अंतर को नापने का काम करेगा। हम देख सकते हैं बच्चों, हमारे पास इस टेबल में एक सेल है और दो बैटरियां हैं। ये पहली वाली जो सेल है वो 1.5 वोल्ट की है और यहाँ पर मैंने दो सेलों को जोड़कर, श्रेणी क्रम में जोड़कर एक बैटरी का निर्माण किया है जो कि 3 वोल्ट की बैटरी की तरह कार्य करने वाली है। और साथ में हमारे पास एक 9 वोल्ट की बैटरी भी है। अब मैं इसको परिपथ में जोड़ूंगी और देखूंगी कि अलग अलग धारा को प्रवाहित करने से विभव अंतर पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके लिए मैं एमीटर और वोल्टमीटर दोनों की रीडिंग को नोट करते जाऊंगी। तो चलो बच्चों, प्रयोग शुरू करते हैं और इस 1.5 वोल्ट की बैटरी को सबसे पहले इस परिपथ में लगाते हैं। मैंने इस बैटरी को इस परिपथ में जोड़ा। आप देख सकते हैं बच्चों, एमीटर और वोल्टमीटर दोनों की रीडिंग में, दोनों के कांटों में परिवर्तन आ गया, दोनों में हमको कुछ रीडिंग प्राप्त हो रही है। हम देख सकते हैं बच्चों, एमीटर का मान हमको प्राप्त हुआ है 0.5 एम्पियर और वोल्टमीटर में हमको मान प्राप्त हुआ था 0.45 वोल्ट। यदि मैं V को I से भाग दूं, मतलब 0.45 को 0.5 से भाग दूं, तो इसका मान आएगा 0.9। मतलब V बाई I का अनुपात यदि हम देखें तो 0.9 ओम का आ रहा है। अब हम इसी प्रयोग को इस 3 वोल्ट की बैटरी से करते हैं। इस 3 वोल्ट की बैटरी को यदि हम इस्तेमाल करेंगे तो इस प्रयोग में बहने वाली धारा का मान बढ़ जाएगा। तो देखो बच्चों, इस बैटरी को परिपथ में जोड़ते ही हम देख सकते हैं एमीटर और वोल्टमीटर दोनों में हमको रीडिंग प्राप्त हो रही है। एमीटर में हमको 1.45 एम्पियर प्राप्त हो रहा है और वोल्टमीटर में हमको 1.3 वोल्ट रीडिंग प्राप्त हो रही है। हम इन दोनों रीडिंग्स को नोट कर लेते हैं। एमीटर का मान 1.45 एम्पियर है और वोल्टमीटर का मान 1.3 वोल्ट है। यदि मैं V को I से भाग दूं, मतलब 1.3 को 1.45 से भाग दूं, तो आंसर मुझे मिलेगा 0.9। बच्चों, अब इस प्रयोग को हम 9 वोल्ट की बैटरी के साथ दोहराते हैं। हम इस 9 वोल्ट की बैटरी को इस परिपथ में जोड़ेंगे और फिर से अमीटर और वोल्टमीटर की रीडिंग नोट करेंगे। हम 9 वोल्ट की बैटरी का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे कि हम इस परिपथ में बहने वाली धारा के मान को और बढ़ा सकें। तो चलो बच्चों, इसको जोड़कर देखते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहले जोड़ा था।
जैसे ही हम इस बैटरी को परिपथ में जोड़ते हैं, आप देख सकते हैं बच्चों एमीटर और वोल्टमीटर दोनों में हमको कुछ रीडिंग प्राप्त हो रही है। हम ध्यान से देखें तो एमीटर की रीडिंग हमको 1.75 एम्पियर प्राप्त हो रही है और वोल्टमीटर में 1.7 वोल्ट के आसपास प्राप्त हो रही है। तो इसको मैं नोट कर लेती हूँ, हमको एमीटर की रीडिंग मिली थी 1.75 एम्पियर और वोल्टमीटर की रीडिंग मिली थी 1.7 वोल्ट। यदि मैं फिर से V को I से भाग दूँ, मतलब 1.7 को 1.75 से भाग दूँ, तो मुझे मान मिलेगा 0.9। मतलब ये मान वैसे ही है जैसे कि हमको पहली और दूसरी बार मिला था। पहले हमने V और I के मान को भाग दिया था तो भी हमें 0.9 मिला था। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हम जब V को I से भाग देते हैं तो हमको एक निश्चित राशि मिलती है। इसलिए बच्चों यदि हम जब V और I के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो ग्राफ एक सरल रेखा होती है। और पता है बच्चों यही ओम का नियम है, यदि किसी चालक तार के सिरों के मध्य विभव अंतर को हम देखें तो वो उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होती है जब तक उनकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए। इसके पश्चात परिपथ में दो सेल जोड़िए और इसी प्रकार एक्स वाई में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा तथा इसके बीच के विभवांतर का मान ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार तीन सेल फिर चार सेल का परिपथ में उपयोग कर एक्स वाई में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा तथा एक्स वाई के बीच के विभवांतर का मान भी सारणी दो में भरिए। विभवांतर V तथा विद्युत धारा I के प्रत्येक युगल के लिए V बटे I का मान क्या होगा? V तथा I के बीच ग्राफ खींचिए एवं इस ग्राफ की प्रकृति का प्रेक्षण कीजिए, सारणी दो। इस क्रियाकलाप में आप पाएंगे कि V बटे I का मान लगभग समान ही रहता है। इस प्रकार V I ग्राफ चित्र में दिखाए अनुसार मूल बिंदु से गुजरने वाली एक सरल रेखा होती है, अर्थात V बटे I एक नियत अनुपात है। चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर V चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होती है, इसे ओम का नियम कहते हैं। अतः V समानुपाती I, V बराबर R गुणित I, जहां R एक नियतांक है, अथवा R बराबर V बटे I या I बराबर V बटे R, समीकरण तीन। यहां R एक नियतांक है जिसे तार का प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है। समीकरण तीन से यदि किसी चालक के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर एक वोल्ट है तथा उससे एक एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब उस चालक का प्रतिरोध R एक ओम होता है, यानी कि एक ओम बराबर एक वोल्ट बटे एक एम्पियर। समीकरण तीन से स्पष्ट है कि किसी प्रतिरोधक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। समान विभवांतर पर यदि प्रतिरोध दो गुना हो जाए तो विद्युत धारा आधी रह जाती है। व्यवहार में कई बार किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को घटाना अथवा बढ़ाना आवश्यक हो जाता है। स्रोत की वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन किए परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव को परिवर्ती प्रतिरोध वेरिएबल रेजिस्टेंस कहते हैं। इस युक्ति को धारा नियंत्रक रियोस्टेट भी कहते हैं।